Story name is Punishment or Love, and this story is begin from chapter 137. And guys, don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience. तो चलिए शुरू करते हैं। वरुण अपना सर हिला के दांत पीस के बोला, हाँ बीवी जीन्स दिन उसे पता चला उसकी बटरफ्लाई कोई और नहीं उसके भाई की होने वाली मंगेतर है। तो उसने सिद्धार्थ से उसे गेम में जीतने का नाटक किया और तापसी से उसी दिन शादी की। वो नहीं चाहता था कोई उनके रिश्ते को घटिया नाम दे जो तू दे रहा है। समय ने कभी भी तापसी का गलत फायदा नहीं उठाया। उसने आज तक उसके साथ जो कुछ भी किया वो सिर्फ है अपना हक समझ के किया। उसने कभी तापसी के साथ उस हद तक जबरदस्ती नहीं की कि हमारी क्यूटी को यहाँ लाना पड़े। राहुल उसका हाथ अपनी कोलर से हटा के हैरानी से उसकी ओर देख बोला, तू ये क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समय ने क्यूटी से शादी की है और मुझे ही नहीं पता। समय को याद कर वरुण की आंखों में नमी उतर आई। उसने राहुल का कॉलर छोड़ उसे नजरे फेंक के बोला, समय ऐसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है। उसका दिल भी बहुत साफ है, वो क्यूटी से पागलों की हद तक प्यार करता है। उसके अलावा उसने आज तक किसी लड़की को गलत नजरों से नहीं देखा। हाँ उसे ज्यादा गुस्सा आता है और उसमें वो हैवान बन जाता है और वो क्या कर जाता है वो खुद नहीं जानता, लेकिन जब उसे एहसास होता है तो सबसे ज्यादा दर्द भी उसे ही होता है। तापसी के साथ अब तक उसने जो भी कुछ किया है वो सब उसके डर, उसकी इनसिक्योरिटी, उसकी जलन, उसके गुस्से ने करवाया। वो तापसी को खोने से डरता है, किसी और के करीब उसे देख बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो गुस्से में हैवान बन जाता है, जो सब उसकी बीमारी का असर है। बीमारी, राहुल दबल सोकद होके बोला। वरुण गहरी सांस लेके बोला, हाँ बीमारी समय को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसका गुस्सा उसकी ताकत भी है और कमजोरी भी। जब भी उसे गुस्सा आता है वो पूरी तरह चेंज हो जाता, वो इंसान से हैवान बन जाता है, फिर उसकी हैवानियत उस इंसान पर निकलती है जिसके कारण उसे गुस्सा आया। आज तक जिसने भी उसे गुस्सा दिलाया है वो इंसान जिंदा नहीं बचा। फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की, उसकी मौतें है उसके गुस्से का शिकार होके जिंदा बचने वालों में से सिर्फ तीन लोग हैं जो जिंदा है। एक उसकी बटरफ्लाई जिसे वो जीतना चाहे दर्द दे दे लेकिन मारेगा नहीं, दूसरा मैं और तीसरा तू। वो भले ही हमसे नाराज हो लेकिन आज भी उसके दिल में हमारी दोस्ती जिंदा है। राहुल उसकी बात सुन पूरी तरह सोकत था, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। अपनी बहन की शादी हो गई ये जान के खुश हो या ये जान के दुखी हो कि उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जो एक बीमारी का शिकार है। वरुण आगे कहता है, तुझे पता है उसने तुझे क्यों मारा? मैंने उस पर हाथ उठाया इसलिए, राहुल ने कहा। नहीं ये वजह नहीं है, सबसे बड़ी वजह तुम्हारा उसे प्रोवोक करना है, वरुण ने उसकी ओर देखते हुए कहा। राहुल कंफ्यूज होके, मैंने उसे प्रोवोक कब किया? वरुण उसे देख फिकी स्माइल कर, तूने बिना पूरी बात जाने समय पर जबरदस्ती का इल्जाम लगाया, समय पर हाथ उठाया, उसके गुस्से को ट्रिगर किया, तेरे बार बार जबरदस्ती व यूज करने से और तापसी को उसे दूर करने की बात करने से समय के अंदर के हैवान को तूने जगाया और उसने तुझे कुत्तों की तरह मारा। राहुल उसकी बात सुन गुस्से में अपना टूटा हुआ हाथ पकड़ के खड़ा होके बोला, साली तू मुझे बचा नहीं सकता था जब वो मुझे मार रहा था, मैं तो गुस्से में सब भूल गया, लेकिन तू तो मुझे बचा सकता था अगर वो मेरी जान ले लेता तो। वरुण इस पर अपनी गदन पर हाथ फिरा के बोला, मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो घायल शेर के मुंह में हाथ डालूगा? मुझे थोड़ी अपने हाथ पैर तुड़वाने थे, गलती तूने की तू भुगत, में क्यों भुगतू? राहुल मुंह फाड़े, साला कैसे दोस्त मिले हैं, एक मार मार के हॉस्पिटल के बेड पर पहुंचा देता है और दूसरा मुझे मरने को छोड़ देता है। वरुण मुस्कुरा के दांत दिखा के बोला, अब जेस भी है तुझे इसे ही काम चलाना होगा, दूसरा तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। राहुल बेड पर ठीक से लेट के बोला, कमीना कहीं का दांत मत दिखा वरना सारे दांत तोड़ दूंगा, पहले खुद को तो जोड़ दे बाद में तोड़ने की बात करना, वरुण ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। राहुल उपा की ओर देखे, भगवान कैसे दोस्त दिए है, हाय मार डाला, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया,
राहुल को अब जाके अपना दर्द दिखाया दिया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। वरुण उसकी हरकत देख सोफे से पीलो उठा के उस पर फेंक के बोला, साले चुप कितनी नौटंकी करेगा, अभी तक तो खरा होने के लिए मरा जा रहा था और अब ऐसे रो रहा है। राहुल पीलो लगते ही चिल्ला आया, आहा मार डाला अबे साले, इतनी लगी कम है जो और मार रहा है। वरुण उसे दूसरा पीलो मार के बोला, साले तुझे मारू नहीं तो तेरी आरती उतारू, कमीने तेरी वजह से वो और गुस्सा हो गया, अब उसे मनाना और मुश्किल हो गया। राहुल ने पीलो लगने से पहले ही पीलो को दूसरे हाथ से कैच कर लिया और पीलो को अपने तूते हुए हाथ के नीचे रख बोला, इसमें मेरी क्या गलती, कमीने, अपनी बहन की हालत देख गुस्सा आ गया और वो सब निकल गया। वरुण उसे बुरी तरह घूर के बोला, सारी गलती तेरी ही है, अब तू ही उसे मनाएगा और उसका गुस्सा झेलेगा, मैं तेरी कोई मदद नहीं करूँगा। राहुल उसकी बात सुन सोकद होके क्या, राहुल अपना सर खुजा के मासूम सा फेस बना के बोला, नहीं मेरे भाई, मेरी जान, मेरी मुसीबत के हीरो, तू मुझे बिच मझधार में नहीं छोड़ सकता, मेरी दुबती कश्ती तेरे हाथ में है, मैं तेरे बिना उसे मना ना तो दूर उसे बात तक करने की सोच नहीं सकता। राहुल वरुण को बटर लगाने की कोशिश करने लगा ताकि वरुण उसकी हेल्प करे। राहुल ने बच्चों जैसा मुंह बना के कहा, तू तो मुझे अच्छे से जानता है, मैं उसे उसी वक्त बात कर सकता हूँ जब मैं गुस्से या नाराज होता हूँ, वरना तो उसके सामने मेरी फटती है। वरुण उसे पूरी तरह इग्नोर कर वोट से बाहर की ओर जाते हुए बोला, अब तेरी फटे चाहे तुते, में तेरी कोई मदद नहीं करूँगा, तेरे चक्कर में पहले से वो मुझसे नाराज है, अब और मैं उसे नाराज नहीं करूँगा, मैं चला अपनी क्यूटी को देखने। राहुल उसे पीछे से आवाज लगा के, नहीं मेरे भाई, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, रुक मुझे भी ले जा, मुझे भी क्यूटी से मिलना है। वरुण उसकी बात पूरी तरह इग्नोर कर बिना मुड़े वहां से चला गया। राहुल खड़ा होने की कोशिश करता रह गया। वरुण उसे पूरी तरह इग्नोर कर वोट से बाहर की ओर जाते हुए बोला, अब तेरी फटे चाहे तुते, में तेरी कोई मदद नहीं करूँगा, तेरे चक्कर में पहले से वो मुझसे नाराज है, अब और मैं उसे नाराज नहीं करूँगा, मैं चला अपनी क्यूटी को देखने। राहुल उसे पीछे से आवाज लगा के, नहीं मेरे भाई, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, रुक मुझे भी ले जा, मुझे भी क्यूटी से मिलना है। वरुण उसकी बात पूरी तरह इग्नोर कर बिना मुड़े वहां से चला गया। राहुल खड़ा होने की कोशिश करता रह गया। दूसरी ओर तापसी का वोध समय तापसी को अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे जो शायद पहली पहली बार आए थे। समय तापसी से जुनून की हर हद पार हो जाए उतना प्यार करता है वो, उसे खोने से ख्याल से भी डरता है। तापसी को खोने का डर उसे तापसी के लिए हैवान बनने पर मजबूर करता है, वो उसके करीब किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तापसी की मासूमियत उसके भी दिल पर असर तो कर रही थी, लेकिन उसे सही करने की जगह उसे और खतरनाक बना रही थी, जिसका असर तापसी पर भी हो रहा था। समय अपनी पुरानी यादों में गुम था कि तभी तापसी को होश आने लगा। तापसी का हाथ जो समय के हाथों में था, उसकी उंगली या हिलते ही समय अपनी यादों से बाहर आया। समय तापसी को होश में आते देख उसके हाथ पर पकड़ कस उसे सिहला। तापसी को पुकारने लगा, बटरफ्लाई बटरफ्लाई। तापसी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। समय उसे होश में आता देख जोर से चिल्लाया, डॉक्टर। समय के चिल्लाते ही बाहर खड़ी तीनों डॉक्टर भागकर अंदर आई। तीनों को समय के गादौस ने बाहर ही बंदूक की नोक पर खड़ा रखा था। जब तक उनकी मैडम को होश नहीं आता, उनको हिलने तक नहीं दिया। समय बिना उनकी ओर देखे कोल्ड वॉइस में बोला, जल्दी से मेरी बटरफ्लाई को चेक करो, उसे होश आ रहा है। तीनों डॉक्टर तुरंत आके तापसी को चेक करने लगी। तीनों काफी डरी हुई थी, उनके चेहरे बता रहे थे उनका डर। समय ने इस बीच एक बार भी तापसी का हाथ नहीं छोड़ा। समय की सांसों में मानो अब जाके सांस आई हो। जब से तापसी बेहोश हुई थी वही जानता था उसका क्या हाल हुआ है, मानो उसकी सांसें ही थम सी गई हो। उसने तापसी के बेहोश होने पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था, उसका बस चलता तो वो तापसी को बेहोश होने पर सजा देता, लेकिन इस वक्त उसने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। तापसी की आंखें खुलती देख अब जाके उसकी सांसों में सांस आई थी। तापसी के फरफड़ाते होंठ
धीरे धीरे खुल रही उसकी पलके देख उसके बेजान दिल में जैसे धड़कन लोट रही हो। तापसी होश में आते हुए बार बार एक नाम ले रही थी जो काफी धीरे था, जिसे सिफे पास रखी डॉक्टर ने सुना और समय को देख बोली, सर मैडम किसी डेविड का नाम ले रही है, आप उनको बुला लीजिए, शायद मैडम उनसे मिलना चाहती है। समय ने जैसे ही उसकी बात सुनी उसकी आंखें छोटी हो गई, वो गुस्से में घूर के डॉक्टर को देखने लगा। उसकी बटरफ्लाई उसका नाम ले रही है और ये डॉक्टर किसी और को बुलाने की बात कर रही है। समय तुरंत तापसी का चेहरा हाथ में भर के बोला, बच्चा मैं यही हूँ, तुम्हारा डेविड तुम्हारे पास है, देखो बच्चा मैं तुम्हारे पास हूँ, आंखें खोलो बटरफ्लाई मुझे देखो। तापसी अध खुली आंखों से समय का नाम पुकारा, डेविड डेविड। समय तापसी के मुंह से अपना नाम सुन उसके पूरे चेहरे को हाथों में भर चुम लिया और बोला, हाँ बच्चा मैं यही हूँ, देखो आंखें खोलो तुम्हारा डेविड तुम्हारे पास है। तापसी को पहली बारी में समय का चेहरा धुंधलासा नजर आया, इसलिए उसने एक बार फिर आंखें बंद कर ली और फिर धीरे से खोली। अब उसे समय का चेहरा क्लियर दिख रहा था। तापसी की नीली आंखें समय की काली गहरी आंखों से जा मिली। समय की आंखें तापसी के पूरे चेहरे पर थी। तापसी की झील सी नीली आंखों में खुद को देख उसने दोबारा तापसी के पूरे चेहरे को चुम लिया। इस बार उसके पूरे चेहरे पर कई सारी किसकी, आखिर में उसके सूखे होठों को अपने होठों में भर उसे जोर से चुमा, जैसे वो तापसी को अपने अंदर भर लेना चाहता हो। तापसी की आंखें समय के किस करते ही बंद हो गई और वो उसे फील करने लगी। समय की किस बाकी दिनों से सॉफ्ट थी और दिप थी पीछे खड़ी। तीनों डॉक्टर समय का ये रूप देख सोकद में ही चली गई। अभी थोड़ी देर पहले जो इंसान उनके सामने किसी हैवान से कम नहीं लग रहा था, उसका ये रूप भी हो सकता है, उन्होंने सोचा नहीं था। उनके सामने समय ने दो डॉक्टर को बेरहमी से मारा था, एक की हालत अधमरी कर दी थी। अब वही तापसी के सामने कितना शांत था कि उसे अच्छा इंसान पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा। समय तापसी को किस कर उसे फिर से अपने सीने से लगा के बोला, मेरा बच्चा, मेरी बटरफ्लाई, मेरी सुगर कैंडी, आज के बाद कभी ऐसा मत करना, कभी अपने डेविड से दूर मत जाना। ये डेविड सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं। तापसी ने मासवत से कहा, नहीं जाऊंगी डेविड, कभी नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। तापसी को अब तक समय से प्यार हुआ है या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन उसे समय से अटैचमेंट जरूर हो गई। आखिर होता भी क्यों नहीं, समय उसे किसी डोल की तरह हमेशा अपने करीब जो रखता था। समय उसे जितना दर्द देता था उतना ही उसे प्यार भी करता था। उसका प्यार ही तापसी के लिए दर्द है और दर्द ही प्यार, जिसे चाहे या ना चाहे तापसी को पूरी जिंदगी सहना है। अब वो कैसे सहेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। समय उसकी मीठी सी आवाज सुन अपनी आंखें बंद कली। तापसी की मीठी सी आवाज समय के बेचैन दिल को सुकून पहुंचा रही थी, उसके बेचैन दिल को राहत की सांस दे रही थी। समय ने तापसी के सर को प्यार से चुमके कहा, बच्चा तुम नहीं जानती इस एक घंटे में मेरा क्या हाल हुआ है, तुमने अपने डेविड की जान निकाल दी थी। जिस समय मल्होत्रा से पूरी दुनिया डरती है उसे उसकी बटरफ्लाई ने डरा दिया। मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तड़प रहा था, तुम्हारे मुंह से डेविड सुन के लिए तड़प रहा था। अब कभी ऐसी गलती मत करना, कभी मुझे छोड़ के मत जाना, कभी खुद को बीमार मत करना, वरना मैं क्या कर जाऊंगा, मैं खुद नहीं जानता, मैं अपनी बटरफ्लाई से पागलपन की हर हद पार हो जाए उतना प्यार करता हूँ। समय की इन सब बातों में उसकी घबराहट, उसकी बेचैनी, उसका डर साफ झलक रहा था, साथ ही एक खतरे की दस्तक भी थी जिसे तापसी अनजान थी। समय की इन सब बातों में उसकी घबराहट, उसकी बेचैनी, उसका डर साफ झलक रहा था, साथ ही एक खतरे की दस्तक भी थी जिसे तापसी अनजान थी। समय तापसी के लिए जीतना हो सके खुद को काबू में रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिश एक पतली सी लकीर पर टिकी हुई है। जिस दिन वो तुती समय का भयानक रूप पूरी दुनिया के सामने होगा, फिर तापसी भी उसे नहीं रोक पाएगी। तापसी समय की बात सुन उसके सीने से अपना सर निकाल के समय के गालों पर अपने छोटे छोटे हाथ रख पहले उसके सर पर अपने नर्म होंठ रखे, फिर उसकी आंखों पर, उसके बाद गालों पर, उसकी नोज पर और आखिर में उसके होठों पर अपने
होथ रख दिए। जैसे कुछ देर पहले समय ने उसे के पूरे चेहरे पर किस की थी, वैसे ही उसने भी उसके पूरे चेहरे पर किस की। लास्ट में समय के होठों पर किस करने की कोशिश कर रही थी। वैसे तो तापसी को किस करना बिल्कुल नहीं आता था, वो सिर्फ समय के होठों को किसी कैंडी की तरह सब कर रही थी। समय उसकी इनोसेंट किस देख कुछ नहीं कहा, उसे ने अपनी आंखें बंद करी और तापसी को किस करने दिया। ना ही उसने किस देख की और ना ही तापसी को खुद से दूर किता। तापसी आज खुद से उसे किस कर रही थी, फिर चाहे जिस भी कर रही थी लेकिन वो खुद से कर रही थी, यही समय के लिए काफी था। तापसी थोड़ी देर किस कर उसे अलग होके लंबी लंबी सांस लेने लगी। जैसे इतनी सी देर में उसकी सांसें ही रुक गई हो, उसके ऐसे सांस लेने से उसकी बॉडी ऊपर नीचे हो रही थी। जिसे देख समय की आंखों में डिजायर दिखने लगी। तापसी समय के सीने से लग मासवत बोली, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा अपने डेविड के पास रहूंगी और आपकी सारी बात मानूंगी। तापसी को ऐसे देख समय की दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चलने लगी, जिसे तापसी भी सुन सकती थी क्योंकि तापसी का सर समय के दिल के पास था। उसकी फास्ट धड़कन सुन तापसी वहां पर हाथ रख मासवत से बोली, डेविड यहां कुछ बहुत जोर से शोर कर रहा है। समय आंखें बंद किए हुए उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, उस पर अपने होंठ रख दो बटरफ्लाई, वो तुम्हारे एहसास के लिए तड़प रहा है, जैसे मैं तड़पा हूँ तुम्हें खुद में समाने के लिए। समय ने लास्ट बात धीरे से बोली थी जिसे तापसी ने नहीं सुना। तापसी समय की बात मान उसकी शर्ट का एक बटन खोल उसके सीने पर अपने होंठ रख दिए और वहां किस करने लगी। उसे लगा उसके किस करने से समय की धकना कम हो जाएगी, लेकिन उसे क्या पता वो सोते हुए हैवान को जगा रही है। समय तापसी के होठों अपने सीने पर महसूस करते ही लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी छुवन से ही उसकी बॉडी गमा होने लगी, उसकी बॉडी नीचे से शक होने लगी। समय की आंखों में मदहोशी सी छाने लगी, अगर वो अभी हॉस्पिटल में नहीं होता तो अब तक तापसी के साथ रोमांस कर रहा होता, उसके गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों का रस पी रहा होता, उसकी मदहोशी भरी सेडेक्टिव आवाज सुन रहा होता। समय को अब तक तापसी के साथ हम बिस्तर सोने की लत लग चुकी थी। तापसी समय के लिए एक नशा बन चुकी थी, जिसके बिना वो एक पल नहीं रह सकता था। जब तक वो तापसी को प्यार नहीं करता, उसे सुकून नहीं मिलता, वो समय के लिए ऐसा ड्रग्स बन चुकी थी जिसे वो हर वक्त अपने अंदर रखना चाहता था। तापसी अपने होंठ से उसके सीने पर बार बार किस कर रही थी, फिर कान लगा के उसकी धकना सुन रही थी, जैसे चेक कर रही हो कि उसकी किस से काम हुआ या नहीं। लेकिन समय की धकना उसकी हर एक किस से कम होने की जगह बढ़ रही थी। समय मदहोशी भरी सांसें ले रहा था, उसकी बॉडी की हिट और बढ़ने लगी। ये देख तापसी मासवत से समय के सीने पर हाथ फेर के बोली, डेविड ये तो और भी तेज हो गई, अब मैं क्या करूं। इस पर समय ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने तापसी को फिर से अपने आगोश में समा लिया। तापसी भी उसके सीने को सहलाते हुए बोली, आप शांत हो जाओ, मैं आपको घर जाके और भी किसी दूंगी। समय उसकी बात सुन फिर से मुस्कुरा दिया और मन में कहा, किससे काम नहीं चलेगा बटरफ्लाई, मुझे तुम पूरी तरह चाहिए, हर दिन हर रात हर पल हर मिनट हर सेकंड। आई वॉन्ट यू बैडली माई इनोसेंट बटरफ्लाई, मुझे तुम्हारे जिस्म से उतर तुम्हारी सांसों में घुलना है, तुम्हें तब तक प्यार करना है जब तक तुम्हारी सांसों में मेरा नाम ना सुना दे। मुझे अपनी बटरफ्लाई से उतना प्यार करना है कि वो मेरी रूह से जिस्म में ऐसे बस जाए कि कोई हमें जुदा ना कर सके। तुम मेरा प्यार नहीं, मेरा जुनून, मेरा पागलपन, मेरी सनक हो बटरफ्लाई। प्यार में सेक्रीफाइस होता है, दुरिया होती है, दर्द होता, लेकिन जुनून में सिफे पाना होता है, पागलपन में सुकन होता है और सनक में जिदोर में तीनों ही चीजें तुमसे करता हूँ। प्यार सिफे एक वध है, लेकिन जुनून पागलपन और सनक तीन तुम बचपन से मेरा जुनून थी, जिसे मैं दुनिया से दूर रखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था किसी की नजर भी तुम पर परे, लेकिन किसी तुम्हें मुझसे दूर कर दिया और मुझे तुमसे नफरत हो गई। लेकिन जब 15 साल बाद तुम्हें देखा तो पागलपन हो गया, तुम्हारी मासवत मुझे और पागल करने लगी, जिसके लिए मैं
अपनी सारी हदें पार करने लगा तुम्हें फिर से दुनिया से छुपा के जुनून पागलपन सनक की हर हद तक प्यार करने लगा। अब मैं तुम्हें अपनी ऐसी कैद दूंगा जहां मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, जहां सिर्फ मैं होगा और तुम। तुम्हारे खुशी, तुम्हारे दर्द, तुम्हारे आंसू की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं बनूंगा और कोई नहीं। अब मैं तुम्हें अपनी ऐसी कैद दूंगा जहां मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, जहां सिर्फ मैं होगा और तुम। तुम्हारे खुशी, तुम्हारे दर्द, तुम्हारे आंसू की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं बनूंगा और कोई नहीं। तभी वोट का दरवाजा खुला और राघव अंदर आया। दौर की आवाज सुन समय अपने ख्याल से बाहर आया। इस वक्त उसकी आंखें पूरी लाल थी और चेहरे पर श्यानी स्माइल, जैसे खतरे से पहले का रेड अलर्ट हो। समय की पिठ राघव की ओर थी और तापसी समय के सीने से चिपकी हुई थी। तापसी अपने दोनों पैर समय की कमर पर लपेट के बेदी हुई थी। तापसी समय के खतरनाक इरादों से अनजान थी। राघव अंदर आके सर झुका के समय को ग्रीट कर बोला, बोस आज का टर्न ओवर विला पहुंच चुका है और नए कसिनो की ओपनिंग भी हो चुकी है। सारे प्रोजेक्ट का काम सही से चल रहा है। समय अपनी आंखें खोल तापसी को ठीक से बिस्तर पर लेता के बोला, बच्चा आप आराम करो, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? डेविड मत जाना, मुझे अकेले डर लगता है, तापसी ने मासूद से उसका हाथ पकड़ के कहा। उसे सच में डर लग रहा था। इतने दिनों में जो कुछ भी हुआ उसे अब समय के दूर जाने के नाम से भी डर लग रहा था। वो समय के गुस्से से जीतना डरती थी, उसके दूर जाने से उतना ही बेचैन हो जाती। समय उसके चेहरे पर डर देख उसके पास ही बैठ गया। वैसे तो समय को सच में काम था और भी कुछ था जो वो हॉस्पिटल से जाने से पहले निपटाना चाहता था, लेकिन इस वक्त तापसी से जरूरी उसके लिए कुछ नहीं था। समय तापसी को ठीक से बिठा के साइड टेबल से खाने की प्लेट लेके उसे खिलाते हुए बिना एक्सप्रेशन के बोला, मैं अपनी बटरफ्लाई को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें भूख लगी थी ना, तुम जल्दी से खाना फिनिश करो फिर हम घर चलेंगे। उसकी बात सुन तापसी अपना सरहा में हिला के अच्छे बच्चे की तरह खाने लगी। उसे सच में बहुत भूख लगी थी, उसने कल से कुछ नहीं खाया था। समय की पनिशमेंट के बाद उसको रात से दोपहर तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। फिर दोपहर को समय उसे हॉस्पिटल ले गया, उसके बाद ये सब हुआ। राघव अभी भी वही सर झुका के खड़ा था, जैसे वो समय के जवाब का वेट कर रहा था। समय राघव को बिना देखे कोल्ड वॉइस में कहा, सारे पैसे दूसरे कसिनो में लगा दो, मुझे दोनों का टर्न ओवर कल तक चाहिए। और एक बात, नए कसिनो के बारे में हमारे पुराने कस्टमर को इन्फॉर्म कर देना, मुझे दोनों का टर्न ओवर कल तक दुगना चाहिए। जीस पर राघव ने सर हिलाके जी बोस कहा। राघव ने आगे कहा, बोस आपने जो कहा था वो सारी तैयारी हो गई है। और वो बोलते बोलते रुक गया। उसे रुकता देख समय की भौहें तन गई। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कोई अपनी बात अधूरी छोड़े, खासकर तब जब बात उसे रिलेटेड हो। समय तिखी नजरों से उसे देखा, जैसे पूछ रहा हो और क्या। राघव समय की एक नजर देख घबरा गया। उसने अपना गला टर कर कहा, बोस वरदान वासु की बहन आपसे मिलना चाहती है, वो कुछ दिन से रोज ऑफिस आ रही है और पूरा दिन आपका वेट करती है, हमने कितनी बार उनको मना किया फिर अभी वो नहीं मान रही। समय उसकी बात सुन बिना एक्सप्रेशन अपनी आईब्रो पर अंगूठे से रब करते हुए बोला, उसके भाई को बोल दो अपनी बहन को काबू में कर ले, वरना आगे तुम्हें पता है क्या करना है। और समय उसे घूर के बोला, दोबारा इतनी छोटी बात मुझ तक नहीं आनी चाहिए वरना। राघव ने अपना सर झुका के कहा, सॉरी बोस दोबारा नहीं होगा। समय ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने देखा तापसी अब सो चुकी है, तो उसने उसे ठीक से बेड पर लेता के उसके सर को चुम लिया। दरअसल समय ने तापसी के खाने में नींद की दवाई मिलाई थी ताकि वो अपना काम कर सके। समय पीछे मुड़ राघव को देख ओदर दे के बोला, इन तीनों को हॉस्पिटल की लोबी में लेके आओ। इतना बोल वो वहां से निकल गया। समय का इशारा तीनों डॉक्टर पर था। राघव ने आदमी को बुला के तीनों डॉक्टर को वहां से लेके चलने कहा और वो भी समय के पीछे निकल गया। दूसरी ओर मुंबई अंधेरी रेलवे स्टेशन पर एक लड़की खड़ी होके चिल्ला रही थी, हाय मैं तो लुट मरी, गिर गई, मर गई, मैं तो बर्बाद हो गई, अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं। एक दुबली सी लड़की मुंबई
स्टेशन पर खड़ी होके जोर जोर से चिल्ला रही थी। वो बोलना चाहती थी मैं लुट गई, मर गई, बर्बाद हो गई, लेकिन उसका डायलॉग गलत हो गया। आसपास के लोग आते जाते उसे ही देख रहे थे। लड़की दिखने में इंडियन और विदेशी दोनों लग रही थी। उसने कपड़े इंडियन पहने थे लेकिन बालों से लुक से विदेशी लग रही थी। वो दिखने में किसी बड़े घर की लड़की लग रही थी लेकिन कपड़ों से वो गरीब लग रही थी। लड़की ने ब्लू कलर का प्लाजो, सफेद रंग की कुर्ती पहनी हुई थी जिस पर काफी मिट्टी लगी हुई थी। उसके बाल भी बिखरे हुए थे। लड़की दिखने में काफी सुंदर थी। गोरा दूध सा रंग, गोल्डन सिल्की हेयर, बड़ी बड़ी ग्रे आंखें, दिखने में जीरो फिगर थी। उसे देख ये बताना मुश्किल है कि वो गरीब है या अमीर, इंडियन है या फोना। लड़की को इस तरह चिल्लाते देख आसपास खड़े लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे वो लड़की कोई पागल हो। लड़की अपना सर पके के खुद से बोली, अब मैं क्या करूं, अब उनके पास तो पैसे भी नहीं बचे, अब मैं दिल्ली कैसे जाऊं। लड़की अपना बैग वही प्लेटफॉर्म पर पटके उस पर बैठ गई और जोर जोर से रोते हुए बोली, ब्रदर वेयर आर यू, आई मिस यू सो सो मच ब्रदर, आई एम सॉरी, आई हैव सो अ बिग बिग मिस्टेक भाई, आई कांट अंडरस्टैंड, अब मैं क्या करूं, प्लीज ब्रो हेल्प मी प्लीज। लड़की अपना सर पके के खुद से बोली, अब मैं क्या करूं, अब उनके पास तो पैसे भी नहीं बचे, अब मैं दिल्ली कैसे जाऊं। लड़की अपना बैग वही प्लेटफॉर्म पर पटके उस पर बैठ गई और जोर जोर से रोते हुए बोली, ब्रदर वेयर आर यू, आई मिस यू सो सो मच ब्रदर, आई एम सॉरी, आई हैव सो अ बिग बिग मिस्टेक भाई, आई कांट अंडरस्टैंड, अब मैं क्या करूं, प्लीज ब्रो हेल्प मी प्लीज। लड़की बोलते बोलते अपने बाल नोचने लगी। लड़की कभी नॉर्मल होके बोलती तो कभी टपोरी की तरह बोलती तो कभी इंग्लिश में बोलती, वो कभी अपने बैग पर पंच करती तो कभी अपने बालों को खींचती। वो सच में किसी पागल की तरह हरकत कर रही थी। आसपास खड़े लोग लड़की को ऐसे देख, खुद से बात करते देख, रोते देख उसे पागल समझ रहे थे। कुछ अपने बच्चों को पीछे कर रहे थे जैसे लड़की सच में पागल हो। लड़की अपना निचला होंठ बाहर निकाल क्यूट सा फेस बना के बोली, ओ गॉड, मेरा फोन भी चोरी हो गया, अब मैं कैसे घर वापिस जाऊं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे तो ब्रो का नंबर भी याद नहीं है, अब मैं क्या करूं ब्रो। लड़की अपने भाई को याद कर फिर से रोने लगी। लड़की रोते हुए भी काफी क्यूट लग रही थी। उसकी ग्रे आंखें आंसू से भरी हुई थी। उसने रोते हुए अपनी नाक अपने दुपट्टे से साफ कर ऊपर देखते हुए बोली, अरे बप्पा, मैं तो यहाँ ब्रो से भाग कर आई थी और यहाँ आके बुरी फंसी, ना ही पैसे है और ना ही फोन, घर भी बहुत दूर है, अब क्या करूं। सुनो गणपति बप्पा मोरया परेशान करे, ये दुनिया समझ नहीं आता मुझको, ये मेरे संग क्या हो रहा, सुनो 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 सुनो, प्लीज भाई को भेज दो बप्पा, मुझे और गाना नहीं आता, लड़कने ने मासूम सी शुरूत बना के कहा। अपनी इनोसेंट भक्त की मदद कर दो बप्पा, अपनी इस बेटी पर थोड़ी तो दया कर दो, इस कम उम्र में और कितनी पछीका लोगे। उसका पछीका मतलब परीक्षा है। लड़की को हिंदी वद गलत बोलने की आदत थी। एक अधेर उम्र की औरत लड़की को ऐसे देख उसके पास आके उसके सर पर हाथ रख के प्यार से बोली, अरे बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो, क्या तुम बिछड़ गई हो। लड़की औरत देख रुआसी आवाज में बोली, क्या बताओ बुधिया, अपुन की तो किस्मत ही खराब है, अपुन जा रहा था दिल्ली लेकिन उस कुत्ते की वजह से अपुन किचन में गिर गया और अपुन को यहाँ आने में देर हो गई और अपुन को कोई ऑटो भी नहीं मिली और मेरी ट्रेन मिस हो गई। औरत लड़की के मुंह से खुद को बुधिया सुन भरक उठी। उसने गुस्से में लड़की को सुनाते हुए कहा, गो बाई कैसी लड़की है, यहाँ मैं उसकी मदद करने के लिए आई और ये मुझे बुधिया बोल रही है, हाय राम, देखो देखो इस लड़की को, ये मुझे बुधिया बोल रही है। औरत आस पास खड़े लोगों की ओर देख चिल्ला के बोली। लड़की औरत के भरकने से उसे ऊपर से नीचे तक देख खड़ी होके बोली, अरे बुधिया को बुधिया नहीं बोलूगी तो क्या सेक्सी छम्मक छल्लो बोलूगी, और तुझे किसने कहा मेरी मदद करने को, मैंने तुझसे हेल्प मांगी जो चली आई और सुना रही है, अब उनको किसी की हेल्प नहीं मांगता, निकल यहाँ से, और तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो, कभी कोई सुधर लड़की नहीं देखी क्या जो मुझे तार रहे हो तुम लोगों के पास, माँ बहन गर्लफ्रेंड एक्स गर्ल गर्लफ्रेंड नहीं है क्या,
उसकी बात सुन आसपास खड़े लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। लड़की की बात सुन औरत भी आंख फाड़े उसे देखती रही। आसपास खड़े लोग लड़की औरत की बातें सुन कुछ लोग मजे ले रहे थे तो कुछ लड़की को पागल समझकर देख रहे थे और औरत पर तरस खा रहे था। लड़की औरत को घूर के बोली, अब ज्यादा आंखें मत फाद वरना अंधी हो जाएगी। वैसे भी इस उम्र में आंखें कमजोर हो जाती है, वैसे भी कम ही दिखता होगा और कम दिखेगा फिर तू अब उनको गाली देगी। औरत अपनी बेइज्जती पर बेइज्जती होते देख भड़क उठी। उसने लड़की को देख गुस्से में बोली, बेशर्म लड़की, तेरे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं अपनों से बड़ों की बेइज्जती करना, उनको बुधिया बुलाना। लड़की टुनकर बोली, अपुन के माँ बाप का तो पता नहीं लेकिन अपुन के ब्रो ने एक बात सिखाई है, जो डेसे बात करे उसे उसी तरह जवाब देने का, फिर चाहे सामने वाला जवान हो या तुम जैसा बुधा। औरत लड़की बात सुन गुस्से में तिलमिला के अपने मुंह पर हाथ रख बोली, अगो माए 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 किसी मुलगी है तोबा तोबा, ऐसी लड़की किसी को ना मिला। बाबा रे बाबा कितनी लंबी जबान है इसकी, देखो तो जरा, पता नहीं किसे संस्कार दिए है इसके आए बाबा ने। लड़की औरत की बात सुन अपने हाथ कमर पर रख औरत को बुरी तरह घूर के बोली, अबे ओए बुधी घोड़ी लाल लगाम, अपनी ये संस्कार की दुकान उठा और यहाँ से चलती बन। अपुन का दिमाग पहले से खींचका हुआ है, तू दिमाग का दही मत कर और निकल यहाँ से वरना तेरी ये संस्कार की दुकान यहाँ से इतनी दूर भेजूगी कि दोबारा किसी को प्रवचन नहीं दे पाएगी प्रवचन। औरत अपनी इतनी बेइज्जती सुन आगे बिना कुछ बोले लड़की को कोसते हुए वहां से चली गई। लड़की उसे जाते देख आस पास खड़े लोगों को पर अपनी गुस्से वाली नजर में देखा। आस पास खड़े लोग लड़की की नजर देखते ही वहां से ऐसे गायब हुए जैसे बेल के सर से सींग। लड़की मुंह बना के वापिस अपने बेग पर बैठ गई और सर पका के बोली, आह मेरा सर, बुधिया ने दिमाग का दही कर दिया साला, किस्मत ही खराब है ब्रो। से लटके यहाँ आई थी, सोचा बॉलीवुड में हीरोइन बनूंगी खुद के दम पर, लेकिन यहाँ तो मेरी लाइफ ही जंड हो गई। भाई सही कहते थे, उनके नाम से दूर होके मेरा कुछ नहीं होगा ब्रो, मुझे माफ कर दो। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी, सो डोंट फॉरगेट टू। तो चलिए शुरू करते हैं। लड़की मुंह बना के वापिस अपने बेग पर बैठ गई और सर पका के बोली, आह मेरा सर, बुधिया ने दिमाग का दही कर दिया साला, किस्मत ही खराब है ब्रो। से लटके यहाँ आई थी, सोचा बॉलीवुड में हीरोइन बनूंगी खुद के दम पर, लेकिन यहाँ तो मेरी लाइफ ही जंज हो गई। भाई सही कहते थे, उनके नाम से दूर होके मेरा कुछ नहीं होगा ब्रो, मुझे माफ कर दो। आपकी बात ना मानकर मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी, एक बार मुझे धुनलू में प्रोमिश करती हूँ, मैं कभी नहीं भागूगी, मैं आपकी सारी बात मानूंगी, प्लीज एक बार मुझे धुनलू दूसरी ओर हॉस्पिटल में। समय किसी राजा की तरह हॉस्पिटल लोबी में चेयर पर बैठा हुआ था, उसके पीछे उसके आदमी हाथ पीछे करके रखे थे। वरुण भी वही था, जब वो तापसी को देखने आ रहा था तब उसकी नजर समय पर गई। जिसे देख उसे समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि कुछ होने वाला है। समय इस वक्त सच में हैवान लग रहा था, उसकी आंखें गुस्से में आग उगल रही थी, गले की हाथों की नशे तन चुकी थी, उसका ओरा दाग हो चुका था, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसे देख हॉस्पिटल में मौजूद सारे डॉक्टर, नशे बोए पेशेंट के रिश्तेदार, सबकी हालत खराब हो चुकी थी। सब समय के आगे अपने घुटनों पर बैठे हुए थे। कुछ लोगों को उन डॉक्टर पर तरस आ रहा था जिसने समय को गुस्सा दिलाया है, और कुछ को गुस्सा क्योंकि उनकी बेवकूफी की वजह से उनकी ये हालत हुई है और आगे जो होगा उसे बुरा होगा। लोबी में सिर्फ वही लोग खड़े थे जो समय के आदमी थे, बाकी सब अपने घुटनों पर थे। समय इस वक्त चेयर पर पैर रख हाथों में गन गोल गोल घुमा रहा था। उसे देख लोगों को उसमें यमराज नजर आ रहा था। राघव उसके राइट साइड खड़ा था। तीनों डॉक्टर जिसने तापसी का इलाज किया वो उसके सामने दर से थर थर कांप रही थी। उनको खुद पता नहीं था उनसे क्या गलती हुई है, तीनों इस वक्त काफी घबराई हुई थी। समय गन को अपने पैर पर टेप करते हुए अपनी कर्कश आवाज में बोला, क्या कहा था तुम तीनों ने, मेरी बटरफ्लाई कैसे बेहोश हुई थी।
तीनों डूबता समय की आवाज सुन डर गई। उसके साथ वह मौजूद सभी लोग डर से कांपने लगते हैं। समय की आवाज सदोर गुस्से से भरी हुई थी, जिसे सुन सबकी सांसें उनके गले में ही अटक चुकी थी। समय ने जब देखा वो तीनों कुछ नहीं बोल रही, तो इस बार गुस्से में चिल्ला के बोला, मुझे बात रिपीट करने की आदत नहीं है, सो मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। क्या कहा था मेरी बटरफ्लाई के बारे में? समय के दोबारा चिल्लाने पर तीनों डॉक्टर अपने घुटने पर बैठ माफी मांगने लगी, उसके सामने गिर गिराने लगी। एक डॉक्टर ने कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तो कुछ नहीं कहा। दूसरी डॉक्टर बोली, सर मैंने भी कुछ नहीं कहा, हम दोनों तो जूनियर है, हमारी सीनियर जो कहती है हम उसमें सिर्फ सर हिलाते हैं। उन दोनों की जो सीनियर डॉक्टर थी, जो उनसे थोड़ी बड़ी थी, उसने घबराई हुए आवाज में कहा, सर मैं ये क्या मैं लगा रखा है, बकरी हो क्या जो मैं कर रही हो? बोस ने जो कहा उसका जवाब दो इस बार, राघव ने गुस्से में उसे घूर के कहा। सीनियर डॉक्टर डरते हुए बोली, सर मैंने कहा था कि मैडम बिना खाने से बेहोश हुई है। उसके बाद क्या बोला था? समय ने गुस्से में दांत पीस के पूछा। सर वो मैडम का फर्स्ट टाइम था, इसलिए वो बेहोश हो गई थी, उसने डरते हुए कहा। समय गन पर उंगली फिरा के सदर आवाज में, अच्छा तो तुमने बिना चेक किए सिफ़े देख के पता लगा सकती हो कि क्या हुआ है और कितनी बार हुआ है? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर समय की बात सुन अपना थूक निगल के बोली, सर मैडम के प्राइवेट पार्ट पर स्वेलिंग थी और बल्ब था, जो तब होता है जब पहली बार वो करते हैं, इसलिए मैंने कहा था मैडम का फर्स्ट टाइम था। उसकी बात सुन समय गन अपने सर पर लगा के बोला, अम्मम चलो देख लेते हैं तुम्हारी बात सही है या फिर ये रिपोर्ट। समय के पीछे खड़े आदमी ने समय के हाथ में एक रिपोर्टर्स रखी। रिपोर्ट समय ने हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर को पने को कहा, रिपोर्टर्स देख। उस डॉक्टर की आंखें डर से बरी हो गई, क्योंकि उसने कोई टेस्ट नहीं किया था, उसने जो भी कहा सिर्फ अंदाजे से कहा था। हॉस्पिटल का एमडी डरते हुए समय के हाथ से रिपोर्ट लेके सबके सामने पढ़ने लगा, उनके बेहोश होने का कारण लंबे टाइम तक भूखा रहना है और टाइम से खाना ना खाने से उनकी बॉडी में कमजोरी आ गई, जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी। इतना पके वो चुप हो गया, उसे लगा इतना पढ़ना काफी है, क्योंकि उसके बाद जो लिखा है वो पर्सनल है। लेकिन समय ने कोल्ड वॉइस में कहा, पूरी रिपोर्ट पढ़ो। जिसे सुन एमडी डरते हुए आगे पढ़ के बोला, और इसमें लिखा के है उनके साथ कल कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए गए थे, और उनको वो चोट कोई चीज लगने से आई है, ना कि फिजिकल होने से, और वो चोट बाही है, बस इतना काफी है। समय ने हाथ दिखा के उसे चुप होने को कहा। राघव ने उसके हाथ से रिपोर्टर्स ले ली। रिपोर्टर्स सुन वरुण को अब समझ आया कि समय इतने गुस्से में क्यों है। रिपोर्टर्स सुनकर वरुण को भी उन डॉक्टर्स पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उतना ही उनके लिए डर भी लग रहा था। डर इस बात का था कि समय उनको इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, तब तो बिल्कुल नहीं जब बात उसकी बटरफ्लाई की हो। समय तापसी के लिए कितना पजेसिव है वही जानता है। समय उनका क्या हाल करेगा, यही सोचकर वरुण को उनके लिए डर भी लग रहा था और बुरा भी। रिपोर्टर्स पढ़ते पढ़ते एमडी की भी हालत खराब हो चुकी थी, उसका बीपी बढ़ चुका था, जिसे उसे बीपी की गोलियां लेनी पड़ी। उसका बीपी समय के हॉस्पिटल में आने से ही बढ़ा हुआ था, उसे समय के बारे में पता था, उसे पता था समय कौन है और कितना खतरनाक है, इसलिए उसने जितना हो सके समय से दूरी बनाए रखी थी, ताकि उसे कोई गलती ना हो जाए। लेकिन उन डॉक्टर की वजह से उसको समय के सामने आने ही पड़ा। लोबी में एक बार फिर समय की दिल दहलाने वाली आवाज गुजी। समय उन तीनों डॉक्टर को गुस्से में देख कोल्ड वॉइस में बोला, अब बोलो क्या कहना है तुम्हें, मैं किसकी बात पर यकीन करूं, तुम पर या फिर इस रिपोर्टर्स पर जो लंदन के टॉप फेमस डॉक्टर डो रॉय की है? डॉक्टर रॉय का नाम सुनते ही तीनों लेडी डॉक्टर की हालत और खराब हो गई। तीनों को अपने सामने अपनी मौत दिखाया देने लगी। तीनों ऊपर से नीचे तक थर थर कांपने लगी। लेकिन समय आगे कुछ करता उसे पहले एक गाद भागते हुए आके समय से कहा, बोस मैडम को होश आ चुका है, वो
पेनिक कर रही है, जिसे सुनते ही समय ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर आंखें खोल अपने सामने बेदी तीनों डॉक्टर को देखा, जिसे उसे सजा तो देनी थी लेकिन उसका तापसी के पास भी जाना जरूरी था, इसलिए वो अपनी चेयर से खड़ा होकर राघव को ऑर्डर दिया, इन तीनों को फार्म हाउस भेजो, इनके साथ क्या करना है मैं रात को देखूंगा, अभी इनको वहां भेजो और तुम गाड़ी निकालो। इतना बोल समय वहां से तापसी के वोट की ओर चला गया। वरुण को तीनों डॉक्टर पर गुस्से से ज्यादा तरस आ रहा था। अगर उन्होंने अपना काम सही से किया होता तो ये सब नहीं होता। वरुण एक नजर तीनों को देख अपना सर हिलाके के समय के पीछे चला गया। दूसरी ओर मुंबई स्टेशन पर लड़की अभी भी वही बेदी हुई बप्पा से बात कर रही थी। आते जाते लोग उसे ही देख रही थे, लोग उसे पागल समझ रहे थे और कुछ को भिखारी। लड़की दिखी ऐसी रही थी कि लोग का भिखारी समझना लाजमी था और उसकी हरकत ऐसी थी कि वो पागल भी लग रही थी। उसके कपड़ों से लेके बाल तक सब खराब हो चुका था, यहाँ तक उसके चेहरे पर भी मिट्टी लगी हुई थी। तभी वहाँ उसी की उम्र का एक लड़का भागते हुए आया। वो लड़की को देख उसके पास आके हाफते हुए बोला, अब किसे पंगा ले लिया तूने और ये अपनी क्या हालत बना के खड़ी है। लड़की लड़के की आवाज सुन बिना उसकी ओर देखे चीर भरी आवाज में बोली, देख श्लोक, अपन का दिमाग पहले से सदका हुआ है, अगर अपना मुंह तुरवाना नहीं चाहता तो अपना गटर जैसा मुंह बंद रख, वरना यही पिक दूगी। श्लोक लड़की बात सुन अपने बेग से एक मैगजीन निकाल के बोला, अबे यार मैंने क्या किया, तू मुझ पर क्यों भरक रही है, मैं तो तेरे लिए कुछ लेके आया हूँ। लड़की खुद के बेग पर जोर से पंच मार के उसका नाम लिया श्लोक। श्लोक बेग पर पंच पड़ते देख अपना गला टर कर बोला, ठीक है अपुन कुछ नहीं बोलेगा, तू एक बार इसे देख ले। लड़की मना करते हुए जुझला के बोली, मुझे कुछ नहीं देखना, तू जा यहाँ से। अरे एक बार देख तो ले, शायद तेरे काम की चीज हो, श्लोक ने मैगजीन आगे करते हुए कहा। लड़की खिजके उसकी ओर देख के चिल्ला के बोली, अभी मैंने एक बार मना किया ना, क्यों पिटना चाहता है। श्लोक मैगजीन दिखाते हुए, अभी भी तुझे नहीं देखनी। लड़की ने जैसे ही मैगजीन देखी उसने तुरंत श्लोक के हाथ से मैगजीन छीन ली। मैगजीन देख लड़की का उखड़ा हुआ मूड तुरंत बदल गया, उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। लड़की मैगजीन में लगी फोटो देख खुशी से उछल पड़ी। वो श्लोक के गले से लग गई और उसके टाइट हग कर बोली, ये कहाँ से मिली, ये तो जल चुकी थी। श्लोक ने मुस्कुरा के उसे हग बेक कर कहा, अब मिल गई, तू खुश है ना, बस लेकिन इसके पैसे तुझे देने होंगे, मेरी 2 महीने की सेविंग देके इसे खरीद के लाया हूँ सिर्फ तेरे लिए। लड़की उसकी बात सुन उसके गाल खींच के बोली, दे दुगी 2 महीने का क्या, मेरे ब्रदर से एक बार बात हो गई तो तुझे पैसों में तुलवा दूंगी, डोंट वरी। श्लोक ने मुस्कुरा के कहा, लेकिन तू बात कैसे करेगी, इस पर जो नंबर है वो तुम्हारे भाई थोड़ी है, ये तो मैगजीन कंपनी का नंबर है। लड़की मुस्कुराते हुए मैगजीन में लगी अपने भाई की फोटो पर हाथ फिरा के बोली, अब तुम सबको पता चलेगा तुमने किसे दुश्मनी मोड़ ली है, जिस ने मुझे कचरे की तरह अपनी कंपनी से निकाल, अब उनको या उपसोरी इलियाना क्या चीज है दिखाएगी। उस लड़की ने अपना नाम लेके अपने बालों को पीछे कर कहा। श्लोक इलियाना की बात सुन कंफ्यूज भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, तू क्या करने वाली है, या तुझे पता है ना वो सब कंपनी यहाँ की टॉप बॉलीवुड कंपनी है, तू उनको कैसे। इलियाना उसकी बात बीच में काट के बोली, तो तुझे क्या लगता है मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ, तू भूल क्यों जाता है, मैं या नहीं इलियाना हूँ, या को लोग फुकरा सकते हैं, उसकी बेइज्जती कर सकते हैं, लेकिन इलियाना की नहीं। इलियाना क्या है, उसकी पावर क्या है, बहुत जल्द मुंबई देखेगी, उसने श्लोक को देख पूरे कॉन्फिडेंट से कहा। इलियाना मैगजीन में लगी अपने भाई की फोटो देख मुस्कुरा के बोली, मिस यू ब्रो, आई मिस यू सो मच, अब सब को पता चलेगा मैं सच बोल रही थी, मैं सच में आपकी बहन हूँ, या इलियाना है अपने भाई की वन एंड ओनली प्रिंसेस। इलियाना ये बोलती बोलती रो पड़ी, उसकी आंखों से आंसू छलक आए। यह जीन जीन ने मुझे तकलीफ दी, मुझे रुलाया, मुझे फुकराया, उन सबको अपने पैरों पर नाक ना रिगवाई, तो मेरा नाम इलियाना मल्होत्रा नहीं।
श्लोक उसकी बात सुन अपना सर हिला के बोला, वो सब तब होगा जब तुम्हारी सच में इनसे बात होगी और ये यहाँ आएंगे, लेकिन इस वक्त ना इनका नंबर तेरे पास है ना कुछ और। किसने कहा मेरे पास नंबर नहीं है, इलियाना ने उसकी ओर देख पूछा और फिर खुद ही जवाब देते हुए बोली, इस कंपनी के पास भाई के पीए का नंबर होगा क्योंकि मेरा भाई ऐसे ही किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीदता। अगर भाई ने इसके शेयर खरीदे मतलब भाई को इसे कुछ चाहिए और मुझे पूरा यकीन है यही मुझे मेरे भाई से बात कराएगा। एक बार ब्रो तक मेरी आवाज पहुंच गई, फिर या बनेगी इलियाना, इलियाना ने फुल कॉन्फिडेंट से कहा। श्लोक उसका कॉन्फिडेंट देख अपना सर हिला दिया, उसे वैसे तो इया की बात पर यकीन नहीं था लेकिन अपनी दोस्त के लिए वो कुछ भी कर सकता था, चाहे उसकी दोस्त सही हो या गलत। उसे इया की बातें कभी सच्ची लगती कभी झुकी, लेकिन कभी उसने इया को नहीं कहा कि वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता। श्लोक उसका कॉन्फिडेंट देख अपना सर हिला दिया, उसे वैसे तो इया की बात पर यकीन नहीं था लेकिन अपनी दोस्त के लिए वो कुछ भी कर सकता था, चाहे उसकी दोस्त सही हो या गलत। उसे इया की बातें कभी सच्ची लगती कभी झुकी, लेकिन कभी उसने इया को नहीं कहा कि वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता। श्लोक ऐसा लड़का था जिसके लिए पैसों से ज्यादा दोस्ती मायने रखती थी, वो अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता था, फिर चाहे सामने वाला उसकी दोस्ती का फायदा ही क्यों ना उठाया। और ऐसा उसके साथ कई बार हुआ भी है, कई लोगों ने उसकी दोस्ती का फायदा उठाया और खुद आगे बढ़ गए और उसे वही रहने दिया। श्लोक एक छोटे से गांव से मुंबई अपना छोटा सा सपना लेके आया था, उसे मॉडल बनना था लेकिन 3 साल से वो स्ट्रगल कर था, उसके हाथ में जो भी चांस आता कोई ना कोई उसे छीन लेता। श्लोक दिखने में काफी अच्छा था, गोरा रंग, फिट बॉडी, काली नशीली आंखें, ब्लैक कंधे तक बाल जिसे उसने चोटी में बांधा था। श्लोक मॉडल बनने के लिए बिल्कुल फिट था लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। श्लोक अभी एक कपड़ों की दुकान में सेल्समैन की जॉब कर रहा था, मुंबई में उसके पास कोई गॉड फादर नहीं था जो उसकी मदद कर सके, इसलिए उसे यहाँ सर्वाइव करने के लिए कोई भी छोटा मोटा काम करना जरूरी था और वो कर भी रहा था। इया से उसकी मुलाकात एक फिल्म सेट पर हुई थी, दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे बॉलीवुड में कदम रखने के लिए, लेकिन दोनों के पीछे कोई बड़े आदमी का नाम नहीं था जिस वजह से कोई भी उनको मौका नहीं दे रहा था। उसी सेट पर इया की डायरेक्टर से लड़ाई हो गई थी और श्लोक उसे रोक रहा था, इन सब में दोनों की दोस्ती हुई। श्लोक इया को देख, वो सब तो ठीक है लेकिन कॉल कैसे करेगी, मेरे फोन में इतने पैसे नहीं है जो तू इंटरनेशनल कॉल कर सके, और जो पैसे थे इस मैगजीन में चले गए। इलियाना उसके हाथ से फोन खींच के बोली, डोंट वरी, जितने हैं उतने से काम चल जाएगा, वैसे भी सिर्फ मुझे ब्रो तक अपनी आवाज भेजनी है, बाकी सब मेरे डेविल ब्रो देख लेंगे। इलियाना ने मैगजीन में लिखे एक नंबर को डायल किया, पहले 2 बार नहीं लगा फिर कॉल लग गया। अब ये इलियाना की किस्मत है या बप्पा ने उसकी सुनी ये तो नहीं पता, लेकिन आज इया बहुत खुश थी, उसकी खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। थोड़ी ही देर में सामने से आवाज आई, हेलो हेंसी, मैगजीन कंपनी में कॉल करने के लिए थैंक यू, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। इलियाना ने फुल एटीट्यूड से कहा, मेरा एक मैसेज है जो आपको पहुंचाना है, अगर नहीं पहुंचाया तो अपनी हेंसी मैगजीन को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। श्लोक उसकी बात सुन अपना सर पिट लिया, उसका मन कर रहा था वो अपना सर किसी दीवार पर दे मारे, वो मन ही मन खुद से बोला, ये लड़की सच में पागल है, कोई मदद मांगने के लिए धमकी दे सकता है तो एक यही है, 10 पागल मरे होगे तब ये पैदा हुई होगी। फोन पर सामने लड़की पोलाइटली बोली, मिस कैसा मैसेज है और आपको किसे देना है। इलियाना ने घमंड भरी आवाज में कहा, ड्रैगन कंपनी के मैनेजर को, उनको सिर्फ ये नंबर और किसने दिया तो ई बोल देना। लड़की उसकी बात सुन पहले तो शोकद हो गई, फिर मना करते हुए बोली, सॉरी मिस, लेकिन हम उनको ऐसे कॉल नहीं कर सकते, वो हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर है और हमारी मैगजीन के बॉस, इसलिए बोल रही हूँ, उनको सिर्फ ये नंबर दे के ई बोल देना। इलियाना ने उसे मना करने पर चीर के कहा,
लड़की ने फिर भी मना करते हुए कहा, सॉरी मिस, हम नहीं कर सकते, आप कोई और काम हो तो बता सकती है। लड़की के बार बार मना करने पर इलियाना को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था वो उसका गला दबा दे, लेकिन वो दूर है इसलिए कर भी नहीं सकती। इलियाना ने गुस्से को कंट्रोल कर चिर भरी आवाज में कहा, ठीक है मत देना, लेकिन मेरी भी एक बात कान खोल के सुन लो। अब तुम अपने लिए दूसरी जॉब ढूंढ लो, क्योंकि ये कंपनी बहुत जल्द बैंकरप्ट होने वाली है। मैं आज नहीं तो कल उनसे बात कर लूंगी, फिर देखती हूँ तुम क्या करोगे। लड़की उसकी बात सुन और डर गई। उसने फिर भी सांटी से कहा, देखिए मिस, आप हमें धमकी नहीं दे सकती, हम आप पर केस कर सकते हैं, हमें कॉल कर धमकाने का, ठीक है, कर देना केस। में तुमसे डरती नहीं हूँ, किसी से केस में मेरा पूरा नाम लिखवाना मत भूलना और एड्रेस भी। नाम है इलियाना मल्होत्रा, बहन ऑफ समय मल्होत्रा, एड्रेस की तो जरूरत नहीं होगी, वो तो पहले से तुम्हारी कंपनी के पास होगा, इलियाना ने उसकी बात पर चीरते हुए कहा। लड़की इलियाना का पूरा नाम सुन और सोकद हो गई और डर भी गई। उसने तुरंत अपने सीईओ को इस बारे में इन्फॉर्म किया। कंपनी का सीईओ भागता हुआ वहां आया। उसने लड़की के हाथ से लगभग फोन खींच के बोला, हेलो मैम, आप कौन बोल रही है, एक बार अपना नाम बताएगी। इलियाना एटीट्यूड से अपना नाम लिया, इलियाना मल्होत्रा। कंपनी का सीईओ नाम सुनते ही उसके सर पर पसीने की बूंदे आ गई। उसने उस लड़की को तुरंत अपने केबिन से एक फाइल लाने को कहा। लड़की भागते हुए जाके फाइल लेके आई। सीईओ ने उसमें से एक नंबर पर फोन मिलाया। इलियाना दूसरी कॉल पर अभी भी लाइन पर थी और श्लोक उसके पास खड़ा होके अपने नाखून चबाते हुए ये प्रे कर रहा था कि उसके फोन का रिचार्ज ना पूरा हो जाए। कंपनी का सीईओ भागता हुआ वहां आया। उसने लड़की के हाथ से लगभग फोन खींच के बोला, हेलो मैम, आप कौन बोल रही है, एक बार अपना नाम बताएगी। इलियाना एटीट्यूड से अपना नाम लिया, इलियाना मल्होत्रा। कंपनी का सीईओ नाम सुनते ही उसके सर पर पसीने की बूंदे आ गई। उसने उस लड़की को तुरंत अपने केबिन से एक फाइल लाने को कहा। लड़की भागते हुए जाके फाइल लेके आई। सीईओ ने उसमें से एक नंबर पर फोन मिलाया। इलियाना दूसरी कॉल पर अभी भी लाइन पर थी और श्लोक उसके पास खड़ा होके अपने नाखून चबाते हुए ये प्रे कर रहा था कि उसके फोन का रिचार्ज ना पूरा हो जाए। दूसरी ओर समय की कार हॉस्पिटल से निकल चुकी थी। राघव कार ड्राइवर कर रहा था। समय तापसी को लेके पीछे बैठा हुआ था। तापसी समय की गोद में उसके सीने से लगी हुई थी। समय ने उसे अपनी गोद से नहीं उतरने दिया। समय एक हाथ से उसकी कमर पकड़ दूसरे हाथ से फोन चला रहा था। तापसी अपनी झिलमिलाती आंखों से बाहर देख रही थी। कार में एक लंबी खामोशी थी। उसी वक्त राघव का फोन बजा। राघव फोन निकाल बिना देखे कॉल पिक किया, हेलो कौन। दूसरी ओर हेंसी कंपनी का सीईओ बोला, सर मैं हेंसी मैगजीन का सीईओ बोल रहा हूँ। राघव ने कहा, बोलो सर, हमारे पास एक कॉल आया है, सीईओ ने कहा। तो मैं क्या करूं, कॉल तुम्हारे पास आया है, तुम बात करो, राघव ने ड्राइवर करते हुए जवाब दिया। सीईओ घबराई हुए आवाज में बोला, सर वो अपना नाम इलियाना मल्होत्रा बता रही है। राघव ने जैसे ही नाम सुना उसने ने एक झटके में कार में ब्रेक मारी। उसके आगे चल रही गाड़ी भी अपने आप रुक गई। पीछे से समय की भौहें तन गई। गाड़ी झटके से रुकने से तापसी समय की गोद से थोड़ा आगे चली गई थी, लेकिन समय ने उसे कमर थाम हुआ था इसलिए उसे लगी नहीं। समय राघव को घूर कोल्ड वॉइस में कार रोकने की वजह पूछी, व्हाट द फक कार क्यों रोकी। राघव हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ पीछे मुड़ पहले माफी मांगी, सॉरी बॉस। फिर बोला, बॉस हेंसी कंपनी के सीईओ का कॉल है। सो वोट, समय ने उसी टोन में कहा। बॉस वो बोल रहा है, छोटी मैडम का कॉल है, राघव ने हैरानी सोकत के मिले जुले एक्सप्रेशन से कहा। कंपनी का सीईओ भागता हुआ वहां आया। उसने लड़की के हाथ से लगभग फोन खींच के बोला, हेलो मैम, आप कौन बोल रही है, एक बार अपना नाम बताएगी। इलियाना एटीट्यूड से अपना नाम लिया, इलियाना मल्होत्रा। कंपनी का सीईओ नाम सुनते ही उसके सर पर पसीने की बूंदे आ गई। उसने उस लड़की को तुरंत अपने केबिन से एक फाइल लाने को कहा। लड़की भागते हुए जाके फाइल लेके आई।
सीईओ ने उसमें से एक नंबर पर फोन मिलाया। इलियाना दूसरी कॉल पर अभी भी लाइन पर थी और श्लोक उसके पास खड़ा होके अपने नाखून चबाते हुए ये प्रे कर रहा था कि उसके फोन का रिचार्ज ना पूरा हो जाए। दूसरी ओर समय की कार हॉस्पिटल से निकल चुकी थी। राघव कार ड्राइवर कर रहा था। समय तापसी को लेके पीछे बैठा हुआ था। तापसी समय की गोद में उसके सीने से लगी हुई थी। समय ने उसे अपनी गोद से नहीं उतरने दिया। समय एक हाथ से उसकी कमर पकड़ दूसरे हाथ से फोन चला रहा था। तापसी अपनी झिलमिलाती आंखों से बाहर देख रही थी। कार में एक लंबी खामोशी थी। उसी वक्त राघव का फोन बजा। राघव फोन निकाल बिना देखे कॉल पिक किया। हेलो कौन? दूसरी ओर हेंसी कंपनी का सीईओ बोला। सर मैं हेंसी मैगजीन का सीईओ बोल रहा हूँ। राघव ने कहा बोलो। सर हमारे पास एक कॉल आया है, सीईओ ने कहा। तो मैं क्या करूँ, कॉल तुम्हारे पास आया है, तुम बात करो, राघव ने ड्राइवर करते हुए जवाब दिया। सीईओ घबराई हुए आवाज में बोला। सर वो अपना नाम इलियाना मल्होत्रा बता रही है। राघव ने जैसे ही नाम सुना उसने ने एक झटके में कार में ब्रेक मारी। उसके आगे चल रही गाड़ी भी अपने आप रुक गई। पीछे से समय की भौहें तन गई। गाड़ी झटके से रुकने से तापसी समय की गोद से थोड़ा आगे चली गई थी, लेकिन समय ने उसे कमर थाम हुआ था इसलिए उसे लगी नहीं। समय राघव को घूर कोल्ड वॉइस में कार रोकने की वजह पूछी। वोट द फक कार क्यों रोकी? राघव हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ पीछे मुड़ पहले माफी मांगी। सॉरी बॉस, फिर बोला। बा बॉस हेंसी कंपनी के सीईओ का कॉल है। सो वोट, समय ने उसी टोन में कहा। बॉस वो बोल रहा है, छोटी मैडम का कॉल है, राघव ने हैरानी सोकत के मिले जुले एक्सप्रेशन से कहा। समय ने जैसे ही ये सुना शोक होके वोट। समय तुरंत तापसी को पास वाली सीट पर बिठा के राघव के हाथ से फोन छीन डिस्प्रेट होके बोला फोन कनेक्ट करो तुरंत। दूसरी सीईओ समय की आवाज सुन तुरंत अपने फोन को स्पीकर पर कर उस लैंड लाइन को कनेक्ट किया। समय ने धीरे से बोला प्रिंसेस। दूसरी ओर इलियाना अपने भाई की आवाज सुन खुशी और दर्द से रो पड़ी। इतने सालों बाद अपने भाई के मुंह से प्रिंसेस सुन वो बहुत खुश हुई। समय ने उसके रोने की आवाज सुन परेशान होके प्रिंसेस क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं भाई, उसने रोते हुए समय को पुकारा। समय उसके मुंह से भाई सुन पहली बार भावुक हो गया। आज पहली बार समय के चेहरे पर दर्द के एक्सप्रेशन आए। ये एक्सप्रेशन तापसी के बेहोश होने पर भी नहीं आए थे। इलियाना समय की आवाज सुन लटखड़ा के अपने बेग पर बैठ गई। उसकी आंखों से खुशी दत्त के मिले जुले आंसू निकल आए। उसे ही पता था उसने अपने भाई को कितना मिस किया है। जब जब उसे खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता तब तब उसे समय का उसे गोद में बिठा के खिलाना याद आता। जब कोई उस पर ऊंची आवाज में बात करता उसके कानों में समय की आवाज गूंजती। जब वो उसे दुनिया का सारा प्यार देता था। जब सोने के लिए नर्म बिस्तर नहीं होता था उसे अपने भाई के प्यार की याद आती थी। कैसे उसने उसे वो सब दिया जिसके लिए आज वो तड़प रही है। इलियाना ने समय को बहुत मिस किया था। इन तीन सालों में उसने वो सहा है जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। समय ने उसे कभी वो दर्द वो गरीबी का एहसास ही नहीं होने दिया था। जब जो चीज उसे चाहिए होती थी समय उसके कहने से पहले लाके रख देता था। उसे कभी किसी के आगे सर तक झुका ने नहीं दिया। उसके सामने समय की यादें उसका चेहरा हमेशा रहता था। वही समय की आंखें भी नम हो गई। उसकी जान बसती थी अपनी बहन में। उसका परिवार है वो एक वही थी जिसने तापसी के जाने के बाद उसे संभलने में मदद की थी। अगर वो नहीं होती तो समय पूरी तरह टूट जाता। समय सॉफ्ट आवाज में बोला मेरी प्रिंसेस, मेरा बच्चा, मेरा तूफान, कहा हो किसी हो। इलियाना अपने भाई के मुंह से अपने नाम सुन मुस्कुरा के बोली भाई। समय हाँ प्रिंसेस बोलो, कहा हो। इलियान फिर से रो पड़ी। समय उसकी रोने वाली आवाज सुन अब वो परेशान हो गया। उसने डिस्पिट होके पूछा क्या हुआ मेरी प्रिंसेस, तुम रो क्यों रही है। इलियाना सुबकते हुए भाई यहाँ सब बुरे हैं, आपकी ईयू को सबने रुलाया, सबने उसकी बेइज्जती की, मेरे पैसे पासपोर्ट फोन सब चोरी हो गया, मेरे पास आपका नंबर भी नहीं था, मैं एक साल से आपका नंबर ढूंढने की कोशिश कर रही थी
भाई यहाँ सब बुरे हैं, उसने रोते हुए समय से कहा। समय उसकी बात सुन उसे बहुत गुस्सा आया, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कहा, प्रिंसेस रो मत में। वो इतना ही बोला था कि फोन कट गया। इलियाना सुबकते हुए, भाई यहाँ सब बुरे हैं, आपकी ईयू को सबने रुलाया, सबने उसकी बेइज्जती की, मेरे पैसे पासपोर्ट फोन सब चोरी हो गया, मेरे पास आपका नंबर भी नहीं था, मैं एक साल से आपका नंबर ढूंढने की कोशिश कर रही थी। भाई यहाँ सब बुरे हैं, उसने रोते हुए समय से कहा। समय उसकी बात सुन उसे बहुत गुस्सा आया, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कहा, प्रिंसेस रो मत में। वो इतना ही बोला था कि फोन कट गया। इलियाना फोन कट होने पर और तेज रोने लगी और रोते हुए बोली, भाई भाई आप मिल गए, आप मिल गए, अब आपकी यू फिर से प्रिंसेस बनेगी। श्लोक जो कब से सोकद होके इया को देख रहा था, उसकी और उसके भाई की बात सुन रहा था, अब उसे यकीन हो गया कि वो सच में धा समय मल्होत्रा की बहन है। उसे पहले इलियाना की बातों पर यकीन नहीं था, उसे वो थोड़ी पागल लगती थी, उसे लगता था इया डिप्रेशन का शिकार है। फिर अभी उसने इलियाना का साथ नहीं छोड़ा, उसने हर प्रॉब्लम उसका साथ दिया एक अच्छे दोस्त के तौर पर। इया के पास नाम तो था लेकिन वो पहले किसी को बताना नहीं चाहती थी, वो खुद के दम पर नाम कमाना चाहती थी, इसलिए समय से दूर मुंबई आई। लेकिन उसका ये सपना धीरे धीरे टूटता चला गया। लोगों का ठुकराना, इंस्टॉल करना, बेइज्जत करना इया के सपनों को बुरी तरह तोड़ता चला गया। उसे यकीन हो गया बड़े नाम के बिना यहाँ कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने 2 साल मेहनत के बाद सबको अपना नाम बताना शुरू किया कि वो कौन है, ये सोच के कि किसी को उसकी बात पर यकीन हो जाए और वो वापिस अपने भाई पास जा सके। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, सबने उसे पागल कहा। तो किसी ने लाया, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था कि वो सच में समय मल्होत्रा की बहन है, ऐसा नहीं था। समय उसे ढूंढ नहीं सकता था, लेकिन इलियाना ने समय से दूर जाने से पहले एक चिट्ठी छोड़ी थी, उसमें उसने समय को कसम दी थी कि वो उसका पीछा ना करे, उसका पता लगाने की कोशिश ना करे, अगर जरूरत होगी तो वो खुद करेगी, तब तक उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दे। बस यही वजह थी जिसने समय को रोक रखा था, वरना इलियाना को ढूंढना उसके लिए काफी आसान था। श्लोक उसे रोता देख उसके पास जाके उसके कंधे पर हाथ रख बोला, या संभालो खुद को, अब तो तुम्हारे भाई को पता चल गया कि तुम किस हालत में हो, वो जरूर तुम्हें लेने किसी को भेजेंगे। इलियाना और तेज रोते हुए बोली, भाई मेरा भाई, वो खुद आएगा, वो खुद आएगा, तब तक मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, मुझे मेरा भाई चाहिए, मेरा भाई। श्लोक आगे कुछ बोलता उसे पहले उसका फोन बजा जो इलियाना के हाथ में था। इलियाना ने तुरंत कॉल उठाया। सामने से समय की टेंशन भरी आवाज आई, प्रिंसेस क्या हुआ, फोन क्यों कट गया। इल्ताना रोते हुए बोली, भाई ये मेरा फोन नहीं है, मेरे दोस्त का है और उसमें इंटरनेशनल कॉल के पैसे इतने नहीं थे। समय उसकी बात सुन अपने हाथों की मुठिया कसली, उसने खुद को काम रखते हुए गहरी सांस लेके कहा, अच्छा कोया बात नहीं प्रिंसेस, मैं अभी तुम्हारे पास अपने आदमी भेजता हूँ, तुम अभी कहाँ हो। इलियाना सुबकते हुए बोली, भाई मैं मुंबई में हूँ और अभी अंधेरी स्टेन पर हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है भाई, आपकी ईयू ने कुछ नहीं खाया और मेरे पास पैसे भी नहीं है, ना ही मेरे दोस्त के पास है, उसने अपने सारे पैसे आपकी फोटो वाली मैगजीन खरीदने में लगा दिए। समय को उसकी भूख वाली बात सुन बहुत गुस्सा आ रहा था, उसका बस चलता तो अभी उसके पास पहुंच जाता और उसे अपने हाथों से खिलाता, लेकिन वो उससे 7 समुंदर दूर है, वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था। समय ने खुद को शांत रखते हुए गहरी सांस लेके कहा, ठीक है बच्चा, देखो मैं अभी अपने मुंबई की ऑफिस के लोग हैं उनको भेजता हूँ, तुम वही रुको, और नहीं भाई मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक आप खुद यहाँ नहीं आते, मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। इलियाना उसकी बात बीच में काटते हुए बोली। समय उसकी बात सुन उसे समझाते हुए बोला, देखो बच्चा मैं अभी बहुत दूर हूँ, तुम जानती हो मुझे यहाँ से वहाँ आने में कम से कम 12 घंटे लगेंगे, तुम मेरी बात मानो, हमारे मुंबई वाली विला चली जाओ, वहाँ आराम करो, मैं कल तक वहाँ आ जाऊंगा।
नहीं 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 मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे वहां नहीं जाना। जब तक आप नहीं आओगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप यहाँ आओ, आप यहाँ आओ, आप यहाँ आओ और उन सबको सजा दो, सबको बर्बाद करो। जीस जीस ने मुझे रुलाया, इलियाना ने चिल्लाते हुए कहा। इलियाना इस वक्त काफी गुस्से में थी और दुखी भी थी। समय ने अपनी आंखें कसके बंद कर ली। उसे अच्छे से पता था उसकी बहन कितनी जिद्दी है। अगर उसने कोयजित थान ली तो वो किसी की नहीं सुनेगी जब तक उसकी जिद पूरी ना हो। समय ने गहरी सांस लेके कहा, ठीक है यू, तुम वही रुको, आई एम कमिंग, अपने दोस्त को फोन दो। इलियाना ने समय के आने की बात सुन खुश हो गई। उसने फोन श्लोक को देके बोली, भाई तुमसे बात करना चाहते हैं। श्लोक हैरानी से एक नजर फोन को देख बोला, मुझसे लेकिन क्या? वो तो पता नहीं, भाई ने कहा तुम्हें फोन दू लो। इलियाना ने फोन उसके हाथ में रख दिया। श्लोक कैपते हाथों से फोन कान पर लगा के सिफेद असर कहा। समय ने बात गोल गोल ना कर डायरेक्टर कहा, मेरे आने तक मेरी बहन का ध्यान रखो, मैं जब तक वहां नहीं आता तुम उसके साथ रहोगे। मेरे आदमी वहां आते ही होगे लेकिन वो उसके पास नहीं आएगे। मेरे आने तक वो तुम दोनों पर दूर से नजर रखेगे। तुम मेरी बहन के पास रहना, उसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना और उसे कुछ खिला दो, मेरे आदमी तुम्हें पैसे देंगे। श्लोक ने डरते हुए कहा, जी सर। समय ने थोड़ी देर उसे बात की फिर फोन रख दिया। समय राघव को ओदर टोन में बोला, गाड़ी घुमाओ, हम अभी इंडिया जा रहे हैं। राघव ने बिना कुछ बोले गाड़ी घुमा ली। उसने मिहिर को कॉल कर जेट तैयार करने को कह दिया। राघव के साथ अफान भी मुंबई आने वाला था। समय राघव को ओदर टोन में बोला, गाड़ी घुमाओ, हम अभी इंडिया जा रहे हैं। राघव ने बिना कुछ बोले गाड़ी घुमा ली। उसने मिहिर को कॉल कर जेट तैयार करने को कह दिया। राघव के साथ अफान भी मुंबई आने वाला था। कार में एक बार फिर से खामोशी हो गई। समय अपने फोन में इलियाना की फोटो निकाल उस पर उंगली फिरा के बोला, मेरी प्रिंसेस, मेरी यू, मेरा बच्चा, मैं आ रहा हूँ। इस बार में तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इस बार तेरा भाई तुम्हें खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं करेगा। इन सब में समय ने एक बार भी तापसी की ओर नहीं देखा, जो उसके पास ही सर झुका के बेदी थी। उसकी आंखों से बेतहासा आंसू निकल रहे थे। तापसी फिर से समय के पास होते हुए खुद को अकेला फील कर रही थी। समय तापसी के बारे में भूल ही गया था। वो इस वक्त सिर्फ अपनी छोटी बहन के बारे में सोच रहा था, जो उसे 3 साल बाद वापिस मिली है। ऐसा नहीं था समय उसे याद नहीं करता था, वो अपनी बहन को बहुत याद करता था, लेकिन इलियाना की वो कसम ने उसे रोक रखा था। समय ने राघव से कहा, अफान को बोल आते हुए अपने साथ अविरन को भी लेके आइए, वो भी हमारे साथ मुंबई चलेगा। यहाँ का सारा काम मिहिर को संभालने को बोल दे। जी बोस, राघव ने कहा। समय थोड़ी देर आंखें बंद कर सिद से सर टिका दिया। इस वक्त उसकी आंखों के सामने अपनी चंचल बहन का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी छोटी सी बहन के साथ बिताए वो हर पल आ रहे थे जो दोनों ने साथ में बिताए थे। कुछ ही देर में उनकी कार एयरपोर्ट पहुंच गई। समय तुरंत कार से उतर एयरपोर्ट के अंदर चला गया। राघव एक नजर पीछे देख कंफ्यूज हो गया कि वो क्या करे। उसे भी समय के साथ मुंबई जाना था लेकिन कार में तापसी थी, जिसके बारे में समय भूल ही चुका था। राघव भी कार से बाहर आके सोचने लगा वो क्या करे। समय ने उसे कुछ भी नहीं कहा था कि तापसी को साथ लेना है या मेंशन छोड़ना है। तापसी राघव को देख रुआसी आवाज में बोली, आप उनके साथ जाए, मैं अपने आप चली जाऊंगी। राघव ने कहा, नहीं मैम, मैं आपको ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। तापसी दर्द भरी स्माइल कर खुद से बोली, जीन को साथ होना चाहिए था, उन्होंने एक बार फिर हमें छोड़ दिया और ये हमें अकेले ना छोड़ने की बात कर रहे हैं। राघव तापसी की ओर का दौर खोल के कहा, मैम आप पीछे की कार में बैठ जाए, मैं आपको मेंशन छुड़वा देता हूँ। तापसी बिना कुछ बोले अपना सर हां में हिला दिया। वो अभी एक कदम बाहर रखती उसे पहले किसी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। तापसी एक पल के लिए घबरा गई, उसके हाथ अपने आप उसके गले में चले गए। उसे गोद में उठाने वाला और कोई नहीं समय था। तापसी ने जैसे ही अपने सामने समय को देखा तो उसकी आंखों में फिर से आंसू छलक आए।
समय उसे कार से निकाल कार की बोनट पर बिठा के उसके पैरों के बीच खड़ा होके उसके चेहरे को अपने हाथों में भर पूरे चेहरे को चुमने लगा। ये सब वो एयरपोर्ट के बाहर ही कर रहा था। वह रात थी, फिर भी काफी लोग वहां थे। सब की नजर उन पर थी, लेकिन समय के गादोस ने पहले ही उनको कवर किया हुआ था, इसलिए कोई भी उनके करीब नहीं आ पाया। समय तापसी के पूरे चेहरे को चुमके उसके सर से सर जोड़ के बोला, बटरफ्लाई सॉरी। उसने सिफेद दो वक्त बोले। तापसी रोते हुए बोली, आप गंदे हो, आपने फिर से मुझे छोड़ दिया। शह बटरफ्लाई, ये बात दोबारा मत बोलना, मैं अपनी बटरफ्लाई को कभी नहीं छोड़ सकता, समझ गई? समय ने हल्के गुस्से से कहा। उसे तापसी के मुंह से खुद को छोड़ने वाली बात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। तापसी मासूद से उसकी कमर पर अपने दोनों पैर लिफ्ट उसके सीने से लग गई। समय भी उसे ऐसे ही उठा के एयरपोर्ट में चला गया। वही राघव ये सब देख हल्का सा मुस्कुरा दिया। जेट पहले से टेक ऑफ के लिए तैयार था। समय तापसी को लेके जैसे ही जेट में कदम रखा, उसकी आंखें छोटी हो गई। जेट में अफान इनायत अविरन के अलावा अव्योम व्योम राहुल वरुण यहाँ तक जानू भी थी। अविरन को तो उसने बुलाया था, लेकिन बाकी सबको वहां देख उसकी आंखें छोटी हो गई। जानू समय को देख इस बार कुछ नहीं बोली, वो अपना सर झुका के बेदी रही। तापसी समय को ऐसे खड़े देख सर घुमा के जैसे ही पीछे देखने वाली थी, समय ने उसके सर को फिर से अपने सीने पर रख कोल्ड वॉइस में कहा, वहां देखने की जरूरत नहीं है। समय का इतना कहना ही काफी था। तापसी ने अपना सर फिर से उसके सीने में छुपा लिया। समय एक नजर सबको देख राघव से कोल्ड वॉइस में कहा, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? राघव सबको देख खुद भी उतना ही हैरान था जितना समय। राघव ने अपना सर नामे हिला के कहा, वह बोस मुझे नहीं पता ये सब यहाँ कैसे आए, मैंने सिफे अफान को कॉल किया था। अफान खड़ा होके बोला, बोस मैंने सिफे अविरन को कॉल किया था, उसने अपने साथ अपने भाइयों को ले लिया। अविरन ने कहा, मैं अपने भाई को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता, तुम्हें पता है ये दोनों कैसे हैं? समय बाकी सबकी ओर देख पूछा, और तुम सबको किसने कहा? वरुण ने धीरे से हाथ उठा के समय की ओर देख दांत दिखा के बोला, वो मैं तेरे हॉस्पिटल के निकलने बाद में भी राहुल को लेके तेरे पीछे निकला था, जब तूने गाड़ी घुमाई तो मैं भी तेरे पीछे ही था, और ये यहाँ क्या कर रही है? समय जानू की ओर उंगली दिखा के बोला। इस पर वीरन ने कहा, इसे मैं यहाँ लेके आया हूँ, हम सब वहां से निकल रहे थे, ये सिर्फ अकेली वहां क्या करती, इसलिए मैंने ही इसे आने को कहा। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।